हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के सिलेबस। जब तक आप सिलेबस की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस विषय में कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितने चैप्टर को कितने दिन के अंदर कवर करना है, पूरा पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी हो जाती है तो ये सारा चीज का अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है कि कौन सा चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारा चीज का अनुभव आपको हो जाता है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए बोर्ड परीक्षा में उनके पाठ्यक्रम की, उनके सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का सिलेबस को पढ़ा था, तो आज भी हम लोग देखेंगे उसी तरह हिस्ट्री यानी इतिहास के सिलेबस को देखेंगे। कितने चैप्टर हैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा। हिस्ट्री का नोट्स कहाँ मिलेगा, हिस्ट्री की तैयारी पूरी तरह से, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रिपरेशन है वो कैसे होगा, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल पर आप विजिट करने आए हैं, आप ये उम्मीद लेकर के कि हमारी तैयारी 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से हो जाए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो कि आप उम्मीद बनाए रखें। पूरा सिलेबस आपका 2 महीना पहले यानी बोर्ड परीक्षा से 2 महीना पहले पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल पर। ठीक है, तो देखते हैं इस बार क्या बदलाव हुआ, नया पैटर्न क्या होगा, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितना मार्क्स का पूछा जाएगा और बुक जो है कौन सा पढ़नी है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तैयारी कैसे करनी है, पीडीएफ नोट्स अभी हम जो पढ़ाते हैं आप लोगों को, चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो करते हैं, वो आपको नोट्स कहाँ मिलेगा, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर से के बारे में अगर देखी जाए, हिस्ट्री यानी इतिहास का जो टोटल आपका मार्क्स जो होता है इसमें 100 मार्क्स को, 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखी जाए सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। ईंटें यानी जो ईंट होती है, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, तो ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट का सेकंड जो चैप्टर है वो राजा किसान और नगर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर में बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, आरंभिक समाज में बंधुत्व जाति तथा वर्ग का सिचुएशन कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी, उसके बंधन, उसके बीच बंधन कैसा था, ये सारा चीज का हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा चैप्टर में, जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, अब देखिए चौथा चैप्टर का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास। यानी विचारक यानी तरह तरह के जो विचारक थे, जो भी मतलब विदेश से आए लोग, उन लोगों ने क्या क्या विचार दिया, उनके विश्वास क्या क्या थे और इमारतों का जो निर्माण किया गया उनका हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास क्या रहा है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे चौथा चैप्टर में, जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें यानी सांस्कृतिक विकास। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है, यानी हिस्ट्री जो आपका टोटल 3 पार्ट में बटा हुआ, कितना पार्ट में, 3 पार्ट में बटा हुआ। पार्ट 1 के अंतर्गत आपका टोटल चैप्टर्स की संख्या 4 है। ठीक है, जिसमें से आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चारों। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2 के अंतर्गत यानी सेकंड पार्ट के अंतर्गत अगर देखी जाए तो ये आपका मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग इसके मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टोटल इसमें जो आपके 5 चैप्टर आते हैं, 5ों चैप्टर में जो एक तरह से जिक्र किया गया है, एक्सप्लेनेशन यानी मतलब एक तरह से थ्योरी जो दिया गया है किसके बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में, मध्यकालीन में मध्यकाल में भारत की स्थिति कैसी थी, भारत का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में आप लोग ये 5 चैप्टर में जानेंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर है यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ, यानी इब्न बतूता आए, बहुत सारे मतलब जब राजा लोग थे तो उनके दरबार में बहुत सारे विदेशी लोग आए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि यात्री जो आए उनके नजरिए से, उनके साइड से, उनके अनुसार भारत का समाज कैसा था, उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा है भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, भक्ति सूफी परंपरा यानी सूफी परंपरा के बारे में, अजमेर के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, अजमेर के बारे में कई बार, यानी वहां जो आपका है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर 6 में, यानी पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है आपका, मध्यकालीन भारत। इसमें सिर्फ 5ों चैप्टर में जो आपका एक्सप्लेनेशन है, 5ों चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया है थ्योरी जो है आपका, वो आपका मध्यकालीन भारत के बारे में है। ठीक है, अब देखिए 7वां चैप्टर है यानी पार्ट 2
का तीसरा चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में खूब इसमें जिक्र किया गया, विजयनगर के बारे में भर भर के आपका एक्सप्लेनेशन किया गया, पूरा इसमें एक तरह से आपका बातें कही गई है। तो ये सारा चीज के विजयनगर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे एक सातवां चैप्टर में, यानी पार्ट बी का तीसरा चैप्टर में एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, अब देखिए अगला चैप्टर आपका किसान जमींदार और राज्य। ठीक है, किसान जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, यानी कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बीच कैसा संबंध था, किसान जमींदार और राज्य के बीच कैसा संबंध था, जमींदार और किसान कैसे एक दूसरे को मतलब बिहेव करते थे, राज्य के बीच उनका क्या कनेक्शन था, यानी कर जो देते थे वो राज्य को कैसे देते थे, और मुगल साम्राज्य तक कर कैसे पहुंचाते थे, टैक्स कैसे पहुंचाते थे, ये सारा चीज का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे वो आपका आठवां चैप्टर यानी पार्ट बी मध्यकालीन का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है किसान जमींदार और राज्य, यानी कृषि समाज और मुगल साम्राज्य में इसकी स्थिति कैसी रही है, ये सारा चीज का हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका शासक और इतिवृत्त। ठीक है, शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। ठीक है, शासक जो थे इतिवृत्त और मुगल दरबार के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 में जिसका नाम है शासक इतिवृत्त और मुगल दरबार, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर आप देखी जाए पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री है टोटल 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 के अंतर्गत 4 चैप्टर है और पार्ट बी यानी मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आपका टोटल 5 चैप्टर है, और नेक्स्ट देखी जाए पार्ट सी यानी थर्ड पार्ट के अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत यानी मॉडर्न जो इंडिया है, आधुनिक भारत के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, आधुनिक भारत के बारे में इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा आपका एक तरह से कॉन्सेप्ट दिया गया है आधुनिक भारत के अंतर्गत। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का आधुनिक भारत का यानी तीसरा पार्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, यानी उपनिवेशवाद अंग्रेज जो थे उपनिवेशवाद, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देहात के बारे में पढ़ेंगे, सरकारी अभिलेख का अध्ययन भी करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम के सरकार की तरफ से क्या क्या अभिलेख क्या क्या मतलब रिकॉर्ड थे उसका एक्सप्लेनेशन उसका हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात यानी सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, यानी पार्ट सी का यानी थर्ड पार्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर। अब देखिए थर्ड पार्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया, सेकेंड चैप्टर अगर देखी जाए तो विद्रोह और राज्य 1857 का आंदोलन, यानी 1857 की जो आंदोलन हुई थी इनका पूरा जिक्र किया गया, पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया इस चैप्टर में जिसका नाम है विद्रोह और राज्य, यानी विद्रोह कैसे हुआ, राज्य में कौन कहां क्या विद्रोह कर रहे थे, कौन किसका नेतृत्व कर रहा था, कहां कितना विद्रोह हुआ, कहां की कितना हंगामा आंदोलन चला, ये सारा चीज का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे चैप्टर 11 यानी पार्ट सी थर्ड पार्ट का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है विद्रोह और राज्य यानी 1857 की क्रांति के बारे में इसमें ज्यादातर मतलब फोकस किया गया है 1857 की क्रांति पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य, औपनिवेशिक शहर के बारे में भी इसमें हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, अब देखिए औपनिवेशिक शहर के बारे में यानी औपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों की तरफ से जो शहर बसाए गए, नगरीकरण जो किया गया, ठीक है, नगर योजना जो लाया गया, स्थापत्य जो स्थापित किए गए, ये सारे चीज का एक्सप्लेनेशन ये सारे चीज को हम लोग समझेंगे चैप्टर 12 यानी आधुनिक भारत का तीसरा चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों को भगाने के अंग्रेजों को मतलब आजादी दिलाने के लिए जितने भी प्रयास किए गए जितने भी आंदोलन चलाए गए उस आंदोलन की उस सभी आंदोलन का लगभग इसमें जिक्र किया गया है चैप्टर आपका 13 में यानी पार्ट सी यानी आधुनिक भारत का चौथा चैप्टर में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन उनके इर्द गिर्द मतलब ये चैप्टर घूमते हैं, मतलब महात्मा गांधी के जो किरदार रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में उनका लगभग पूरा जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए भारत को तो आजादी मिली, एक दुख और दर्द क्या था कि हम लोग टूट गए हम लोग बिखर गए। ठीक है, यानी हम लोगों का जो विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान में, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, होलोकास्ट को समझेंगे। होलोकास्ट का मतलब होता है कि मतलब ज्यादातर आदमियों को मारा जाना, क्षति होना, नुकसान होना। ठीक है, जब भारत का जब बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस टाइम इधर से पाकिस्तान से बहुत सब आदमी इंडिया आए थे और इंडिया की तरफ से बहुत सब आदमी पाकिस्तान भी गए थे, तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा मतलब मारकाट चला था। ठीक है, यानी जान माल की क्षति बहुत ज्यादा हुई थी, आदमियों को जिंदा मतलब मार दिया गया था बहुत सारे आदमियों को। ठीक है, बहुत सारे मतलब दुख झेलना पड़ा है, इनके बारे में जब पढ़ेंगे आप तो आपका आंख कहीं ना कहीं नम हो जाएगा कि वह हर अंग्रेज हम लोगों को मतलब पूरा तरह से हर मतलब पूरा जिंदगी के लिए लाइफ टाइम के लिए हम लोगों को बांट करके चले गए। ठीक है, तो विभाजन को हम लोग इसमें समझेंगे।
खास करके इसमें जो मुस्लिम लीग का जो एक तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया, मुस्लिम लीग के अली जिन्ना के बारे में इसमें जिक्र किया गया, ठीक है, राजनीति, स्मृति, अनुभव, ये सारा चीज का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, विभाजन को समझना इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका संविधान का निर्माण। देखिए संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, ठीक है, उनके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। संविधान का निर्माण जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संविधान के निर्माण में किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया, ये सारा का एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे चैप्टर 15 में, जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। जी बिल्कुल, जब संविधान का निर्माण हुआ, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, तो एक नए युग का शुरुआत हुआ, एक नए जमाने का शुरुआत हुआ, भारत को आजादी मिली और भारत का बंटवारा भी हो गया, पाकिस्तान भी बट गया, ठीक है। तो एक तरह से यहां जो संविधान का निर्माण हुआ है, तो संविधान के निर्माण में किन किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा है, यह सारे चीज का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे चैप्टर 15 में, संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत में, ठीक है। तो टोटल चैप्टर्स की संख्या टोटल कितनी है, पार्ट सी में अगर देखी जाए, यानी आधुनिक भारत में, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी आपका टोटल 6 चैप्टर है इसमें पार्ट सिक्स में, और आपका पार्ट टू में देखी जाए टोटल 5 चैप्टर है, पार्ट अगर एक तरह से वन में देखी जाए तो टोटल 4 चैप्टर है, कुल मिला के अगर बात की जाए तो टोटल 15 चैप्टर होते हैं आपके हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में टोटल आपके 15 चैप्टर हैं, ठीक है। जिस तरह से आपका इकोनॉमिक्स में पार्ट वन में 6, उसके बाद पार्ट टू में 6, टोटल 12, उसके बाद आपका ज्योग्राफी में पार्ट वन में आपका 10, पार्ट टू में 12, टोटल 22। तो इसी तरह हिस्ट्री में टोटल कितना चैप्टर हुए आपके, 15 चैप्टर हुए, ठीक है। तो 15 चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आप लोगों का, पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, यूट्यूब पर ही आपको क्लास कराया जाएगा और एप्लीकेशन पर भी क्लास कराया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन के नोट्स वगैरह आपको जो एक्सप्लेनेशन वगैरह क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो भी चीज होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस वगैरह सारा चीज कराया जाएगा कोर्स में, एप्लीकेशन में, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कैसे क्या करना है वो सारा चीज हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए चैप्टर 15 चैप्टर है, तो 15th चैप्टर में काफी, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना। यहाँ आप पूछेंगे हमको कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि कम से कम 80% मार्क्स लाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स लाने के लिए चैप्टर कितना भी छोटा हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सभी चैप्टर को इंपॉर्टेंट मानिए, सभी थ्योरी को पढ़ के जाइए, कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हो आपको कोई ठिकाना नहीं है। अगर 80% कम से कम मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको दिल से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं आ जाता 80% मार्क्स, ठीक है। तो चैप्टर्स को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर लिया, हम लोगों ने देखा कि टोटल इसमें टू चैप्टर हैं, वो आपके कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत आगे क्या लिखा गया है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इस पेपर फॉर, यहां आपका 2024 एग्जाम के लिए होगा, ठीक है, या 2023 लिखा हुआ, मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखिए बिहार बोर्ड की अगर बात की जाए, जनरली सभी बोर्ड का हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो था वो बिहार बोर्ड का लिखा हुआ था तो हम बता देते हैं, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है एमसीक्यू, जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड वालों के लिए यह कहा गया है, बिहार बोर्ड में यह सिस्टम है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन जो टोटल पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना पड़ता है, और एक क्वेश्चन का जो वेट होता है वो 2 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन पर टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे, 15 × 50, 15 × 2 हो जाएगा बराबर कितना, 30 मार्क्स, और इधर से कितना 50 मार्क्स, कितना हुआ 80 मार्क्स, बचा कितना 20 मार्क्स बचा। अब 20 मार्क्स में से टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है 20 मार्क्स का, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 रहता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, तो 4 × कितना होगा 5, यानी 4 × 5 यानी 20 मार्क्स हो जाएगा। लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसका एक क्वेश्चन का वेट कितना होता है, 5 मार्क्स होता है, 5 नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड वालों को, ठीक है। अदर यूपी बोर्ड वाले, झारखंड बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले, अदर बोर्ड वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये कोई स्पेशल चैनल नहीं है, सभी बोर्ड वाले इसमें चैलेंज तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिए। तो बिहार बोर्ड का पैटर्न कैसा रहा वो हम बता दिए। अब देखिए आपको क्या करनी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप तनु क्लासेस .com चैनल पर विजिट किए तो 1 मिनट मेरी बातों को सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कि ये जो नंबर है आपका तनु क्लासेस .com ऑफिशियल नंबर, यह है ये 9263024692, ठीक है। ये जो नंबर है ये आपको सेव रखना है, इसमें कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। तो आपको 2-3 बार हो सके तो टाइम मिलेंगे सर को तो कॉल रिसीव कर लेंगे, लेकिन इतना कॉल रिसीव नहीं हो पाता है क्योंकि आपके अभी के काम में लगे हुए रहते, बिजी रहते। तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, जो भी आपको कुछ पूछना हो तो इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो भी डाउट हो
आपको वहां मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये नंबर को आपको सेव कर लेना। दूसरा काम क्या है, ये आपका फर्स्ट काम है। दूसरा काम आपको ये होगा कि टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम को आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप एक स्टूडेंट है, सभी मतलब जो इंफॉर्मेशन के लिए सभी जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे कम से कम आपको जुड़े हुए रहना चाहिए, ठीक है। तो टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर है तो सही बात है, तो टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए तनु क्लासेस। क्या सर्च करना है, तनु क्लासेस सर्च करना है, तो वहां लगभग 19,000, कितना 19,000, 1900 नहीं, 19,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तनु क्लासेस टेलीग्राम चैनल से। क्योंकि सारा नोटिफिकेशन, जो भी कुछ नया चीज होता है चैनल पर, जो भी चीज तनु क्लासेस .com में नया होती है, कोर्स वगैरह जो लॉन्च होता है, पीडीएफ नोट्स वगैरह जो मिलता है, उसके बारे में अगर सूचना दी जाती तो आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा। हम व्हाट्सएप मैसेज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज में अगर हम ग्रुप बना देंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को जोड़ पाएंगे, नहीं पाएंगे ना, 200-300 ही लोगों को जोड़ पाएंगे, और कितना ग्रुप बनाएंगे, यहाँ तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दूसरा काम ये हुआ, टेलीग्राम में आपको जाकर के तनु क्लासेस चैनल को मतलब एक तरह से ज्वाइन हो जाना। तीसरा काम आपका ये होगा, वीवीआई, मोस्ट इंपोर्टेंट काम ये होगा, प्ले स्टोर जानते हैं, प्ले स्टोर में आप लोग टिकटॉक वगैरह कुछ भी डाउनलोड करते हैं ना, सेड वगैरह कोई भी एप्लीकेशन, तो वहां जाके सर्च कीजिए तनु क्लासेस। प्ले स्टोर में जाके क्या सर्च करना है, तनु क्लासेस सर्च करेंगे तो लोगो जो चैनल का लोगो है वही लोगो दिखेगा आपको एप्लीकेशन का, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप में जितने भी नोट्स वगैरह मिलेंगे वो आपको ऐप में मिलेंगे, क्योंकि एक आदमी नहीं है, हजारों आदमी है, लाखों आदमी है, हम व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल कब है, एप्लीकेशन के माध्यम से पॉसिबल है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहां नोट्स वगैरह मिलेंगे, सारा पीडीएफ वही मिलेगा, कोर्स वगैरह वहां सारा चीज डिजाइन किया गया है, ठीक है, वहां सारा चीज आपको मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें व्हाट्सएप करके पूछिएगा, ठीक है। तो टोटल काम आपको कितना बताए, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया गया कि हिस्ट्री में कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर क्या है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। पहला काम आपको क्या करना है, नंबर को सेव रखना है। दूसरा काम आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ठीक है। तीसरा काम आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और जो पीडीएफ वाला सेक्शन है पीडीएफ वहां मिलेगा, कोर्स में जाएंगे कोर्स आपको मिलेगा, सारा चीज आपको मिलेगा। ये नहीं कि कोर्स में सिर्फ आपको पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा, आप अगर सिर्फ हिस्ट्री का लेना चाहते हैं तो सिर्फ हिस्ट्री का लीजिए, आप अगर कोई एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का लीजिए, दो का लेना चाहते हैं दो लीजिए, मतलब आपको वहां मतलब सारा चीज ओपन हो जाएगा, आपका सामने सारा चीज खुला रहेगा, वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो तीन काम आप लोग कीजिए पूरा तरह से जुड़ने के लिए तनु क्लासेस .com चैनल से, और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। आज हम लोगों ने इसी तरह से आपका सिलेबस के बारे में जाना, और सिलेबस और एक दो चैप्टर का बचा है, एक दो सब्जेक्ट का बचा है, वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे।